साथियों, अभी हम जा रहे हैं ट्विन टावर जो तोड़ा गया है कोर्ट के आदेश पर, उसका स्टोरी करने। मेरे आप गौतम ब्लॉग्स पर देख सकते हैं पूरा स्टोरी, क्या ये पूरा वाक्या था, क्या कहानी थी सुपरटेक के आरके अरोरा द्वारा बनाई गई इस बिल्डिंग की। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कानून की धज्जियाँ और जो रूल रेगुलेशन है, बायलॉज हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए, उनकी धज्जियाँ किस तरह से इस टावर को बनाने में उड़ाई गई। और इसके बाद हम दिखाएंगे अभी वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह के हालात में हैं। और हमारे साथ में, उसके साथ में ही एक 93 सेक्टर जहाँ ये ट्विन टावर है वहीं के रहने वाले बबलू गौतम जी, जो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, फिल्म लाइन में हैं, वो हमारे साथ हैं, वही शूट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल उनका गांव बिल्कुल बरार में है, वहाँ तक पुलिस वगैरह जाने भी नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि लोकल हैं तो उन्होंने बहुत हमारा ये वीडियो को शूट कराने में सपोर्ट किया, साथ गए। और अभी हम साथ जाकर के पूरा स्टोरी को कवर किया है, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल गौतम ब्लॉग्स को शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बबलू गौतम जी जो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और गेजा गांव जो बिल्कुल ट्विन टावर के बराबर में ही गांव है, वो बताएंगे पूरे वाक्य के बारे में क्या था क्या नहीं था। नमस्कार। आप सभी ने न्यूज तो पहले आप देख चुके होंगे कि ट्विन टावर टूटा है, लेकिन क्यों टूटा है? ये काफी समय से, लगभग ये लगभग 10-12 साल से ये बन रहा था। पहले इसकी 7 मंजिला बननी थी, फिर इसकी 9 की मंजूरी ली, जैसे जैसे सरकारें चेंज होती रही ये मंजूरी लेते रहे, तो आखिरकार अब इसमें इन्होंने मंजूरी लेके, मंजूरी को शायद 20 टावर या उतने की मिली होगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उससे भी घनी ज्यादा स्टोरी इन्होंने बना दी। जब सुपरटेक वालों ने बना दी, अब उसके ऊपर जो आसपास के रहने वाले थे, ATS विलेज पड़ता है और पास में ही उसके सुपरटेक के दूसरा टावर है वो पड़ता है, तो उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे की जब ब्रोशर में हमको दिखाया नहीं गया था कि पास में क्या क्या चीजें हैं, कि इतनी बड़ा टावर नहीं था, वो 10-12 का होगा शायद, जब पब्लिक ने उसका पास में ही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है तो 10-12 का दिखा रखा था ब्रोशर में, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 35 मंजिल का बना दिया। जब इन्होंने 35 मंजिल का बना दिया तो कोर्ट में याचिकाएं डाली गई, सारा कुछ हुआ, तो अंत का निर्णय आप सभी को पता है कि ये ध्वस्त कर दिया गया। ये सुन रहे थे आप बबलू गौतम जी को, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, और ये ट्विन टावर के बारे में पूरी डिटेल आपको उन्होंने दी है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश के ज्वलंत मुद्दों को अपने चैनल, अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन, और हमारा चैनल है जिसपे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, और गौतम ब्लॉग के नाम से आप हमारा चैनल देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज हैं हम जहाँ पर ट्विन टावर जो सुपरटेक द्वारा बनाया गया, जिसको कल डेमोलाइज किया कोर्ट के ऑर्डर पर, तो ये एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और नौबत तक जाना पड़ा कि कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा, और उसके लिए कितना बहुत बड़ा एक खर्चा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बराबर भी बिल्डिंग है जो कपड़े से कवर की गई है, और पूरा दोनों टावरी टावर का पूरा मलबा यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर पुलिस किसी को अंदर जाने नहीं दे रही है,
तो सवाल ये है कि तब जो नोएडा प्रशासन है या जो नोएडा अथॉरिटी है तब कहाँ सो रही थी जब वो ये इस तरह के टावर को एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के रूप में तैयार किया गया। खास तौर से इसकी जो हाइट्स थी उसकी मंजूरी कम ली गई थी उसे अथॉरिटी से, नोएडा अथॉरिटी से, और उसको ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग बना दिया गया जो एक खतरे से खाली नहीं था। बहुत सारे जो बायलॉज हैं कंस्ट्रक्शन के उनकी यहाँ पर अवहेलना की गई और उसमें काफ़ी अफसर उसके अंदर काफ़ी आए हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी है। उनमें से कुछ के बारे में बताया जाता है कि 20 अफसर तो उसमें से अब तक रिटायर हो चुके हैं। तो ये सवाल ये कि कोर्ट में जाना पड़ा और इतने सारे लंबे प्रोसेस के बाद इसको तोड़ दिया, तो ये कितना बड़ा देश की और जो बायर्स हैं उनको कितनी बड़ी क्षति इससे हुई होगी, कितना बड़ा नुकसान इससे हुआ है लोगों को। और मैं तो खुद इस सुपरटेक बिल्डर के भुक पे गई हूँ। 2009 में मैंने इनसे एक फ्लैट लिया जो है ग्रेटर नोएडा में, इन्हीं का एक सीजार करके एक प्रोजेक्ट है जिसकी आज तक भी मेरे खुद फ्लैट की रजिस्ट्री तक नहीं हुई है, सिर्फ पजेशन दे दिया गया। वहाँ पर भी कुछ ऐसे बायलॉज जो कंस्ट्रक्शन के जो बायलॉज हैं जो नियम हैं उनको तोड़ करके सीजार बनाया गया। निकोलस 1902 फ्लैट नंबर है मेरा, जिसकी रजिस्ट्री आज तक बिल्डर या अथॉरिटी नहीं कर रही है। और वो बैंक से जो लोन हमने लिया वो बैंक को हम लोग चुका रहे हैं, अभी तक घर बैठे चुकाना पड़ रहा है, कोई उससे इनकम नहीं है। और जितने का वो प्रॉपर्टी था उससे भी कम दाम उस प्रॉपर्टी के आज की डेट में मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो सरकार है या जो अथॉरिटी हैं वो पहले से क्यों नहीं जागती हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता रहता है और एक इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है या जिसको कोर्ट इंटरफेयर करने के बाद उसको तोड़ने का ऑर्डर करता है। तो उससे पहले अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता या जो बायलॉज हैं, जो रूल रेगुलेशन है अथॉरिटी के, नोएडा अथॉरिटी के, उनको अगर ठीक से लागू किया जाता या जो सरकारी अफसर थे उन्होंने भ्रष्टाचार न किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती जो कि एक पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा ये मुद्दा एक पूरे देश के अंदर छाया, इसलिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो एक बहुत बड़ी मैं तो इसको दुर्घटना ही कहूँगा कि शुक्र है कि कोई इसमें कोई क्षति हानि नहीं हुई है इसको गिराने में। और कितना पैसा इसको गिराने के लिए खर्च किया गया आप सोच सकते हैं, क्योंकि फ़ौरन से हमारे देश के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिसके लिए बहुत सारे फ़ौरन के कंट्री से इसको गिराने के लिए, डेमोलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, वहाँ से टेक्नोलॉजी आयात की गई कि हम इसको, इस तरह के बिल्डिंग स्ट्रक्चर को किस तरह से गिरा सकते हैं। तो ये कितना बड़ी विडंबना है देश के लिए, एक शर्म की बात है कि ऐसे बिल्डर जब जो जो सरकार आती हैं ऐसे बिल्डर भ्रष्टाचारी लोगों को खड़ा कर देती हैं और बाद में जब कोई एक आम आदमी जब तकलीफ में जाकर कोर्ट में जाता है तब जाकर के कोर्ट इस तरह की घटनाओं पर डिसीजन लेता है जो बहुत ही दुखदायी है। तो आपको हमने पूरा स्टोरी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा ये पुलिस छावनी में तब्दील हो रखा है पूरा एरिया, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा, बोलूंगा कि एक बार दिखाएं। ये पूरा मलबा है इन पेड़ों के पीछे, जो पेड़ आप देख रहे हैं सामने, और ये दूसरी सोसाइटीज़ हैं। यहाँ से जो ये बैरी टेक लगाया हुआ है यहाँ से पुलिस अंदर किसी को अभी तक भी नहीं जाने दे रही है। तो हम विदा लेते हैं, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे भ्रष्टाचार देश में जो हो रहे हैं उनको रोकने में एक कामयाबी मिल पाए और लोगों तक ये भ्रष्टाचार के जो इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा।
रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग होस्टिंग एक्शन कॉमेडी सस्पेंस स्टिंग अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूल। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।